हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग बीस्पोर्ट्स प्रेजेंट्स मूड स्विंग्स एंड आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जहां पर एंकर बनना चाहते हैं, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, या फिर वो लड़कियां जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट की फील्ड में आना चाहती हैं एंड और उसके बाद अपने करियर को आगे कैसे लेके जाना है. सो दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. माय फर्स्ट गेस्ट फॉर टुनाइट, वेल ही इज अ प्रोड्यूसर, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ स्पोर्ट्स एंकर, द वेरी डायनामिक एंड वन ऑफ दोस पीपल जिन्होंने बहुत यंग एज में बहुत सारा कुछ अचीव कर लिया है, मिस्टर ज़ोहैब हुसैन. वेलकम ज़ोहैब. थैंक यू सो मच. बहुत ज्यादा तारीफ कर दिया आपने स्टार्ट में. I think हक पे की है and अभी जब लोग obviously सुनेंगे तो whatever you have done and how you have done, I think it's going to inspire a lot of people to do so. Well, we're talking about inspiring people. We have another person who's inspired a lot of girls, especially also the boys. She has been a dynamic leader. She is also Pakistan's first female cricket commentator. We've been joined today by Marina Iqbal. Welcome, Marina. Thank you, Faizan. How are you? Well, I'm good. And जानना तो आप से चाहता हूँ कैसा जा रहा है, because sitting at home उस तरीके की आदतें नहीं रही हैं. ज़ोहैब कैसा फील कर रहे हैं बड़े अरसे बाद घर पे? हाँ, absolutely. मेरे साथ तो ये हुआ था कि my half the family was in Dubai, half of them in Lahore. I was stuck in Lahore for about 4 months. So 4 months was away from my son and my wife. So बड़ा thankfully finally met my son. He's 2.5 और पहले 10 मिनट awkward थे क्योंकि शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कौन है. मेरी दाढ़ी काफी ज्यादा बढ़ गई थी. अब it is better. So I think for the first he thought that this is some stranger who will eventually go back and he won't be staying with us. So he asked his mom कि यहीं रहेंगे. So after that, I think after the first 15-20 minutes, things settled down and उनको पुरानी तस्वीरें दिखाई उससे कि यार यही हैं आपके बाबा, यही हैं. So eventually, all's well that ends well. मरीना, आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि घर में लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया जब वापस आई तो? नहीं, घर में तो कुछ ज्यादा ही पहचान लिया. अब वो कह रहे हैं बाहर भी निकल जाओ. मतलब अराउंड 5 months I guess. तो वो अक्सर अब पूछना शुरू हो गए कि कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, कुछ हो नहीं रहा. इट्स अ फनी थिंग, आई हैव डॉग्स, 2 डॉग्स, और मैंने उनके साथ इतना टाइम बिता लिया कि अब उनको बुलाओ तो वो पास नहीं आते. इट्स बीन क्रेजी टाइम्स. Well, that is very interesting. You know how things have changed और किस तरीके से dynamics change हो गए. अच्छा, before we get into the drill, we have this game for you guys where 2 cricketers के अपने चेहरे mix किए हुए हैं. And it's sort of a buzzer thing कि आपने गेस करना है कि 2 क्रिकेटर्स कौन से हैं. और जो इस वक्त व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट्स पे गेस करके बता सकते हैं. एंड लेट्स हैव आवर फर्स्ट पिक्चर. कैन वी हैव आवर फर्स्ट पिक्चर प्लीज? ओके, हु इज गेसिंग? बजर आपका जो कॉल कर. आई कांट सी द पिक्चर. Can we have the picture again, please? Yeah. Now I can. So yeah, it's Hasan Ali and Asif. Marina, I think ये चांस हमें सिर्फ इनको देना पड़ेगा. Hasan Ali and Wahab Riaz. Okay, so let's see who got it right. Can we have the answer picture, please? Yes. Yeah. Oh. Zohaib got it right. I think ये करीब से बहुत ज़्यादा देख के आए हैं हसन और वहाब को. कोई encounter रहा है Zohaib इनके साथ, दोनों के साथ ऐसा कोई? वहाब रियाज. कुछ कहानी आ रही थी अभी, वहाब रियाज बोल के अटक गए. हाँ. सुनाए हमारे दोनों बहुत ज़्यादा fun loving लोग हैं. हमने हसन अली का तो देख ही लिया हमने. वो बेचारा, you just having fun and like any I think person in their 20s would have it. तो वो बेचारे को ऐसे सारी वो मॉरल ब्रिगेड खड़ी हो गई जैसे कि as if he's done something wrong. I'm sure most of the people who criticizing him have danced more I think in much more audacious ways than he did. So I mean it's completely fine. Very fun. I think ये जो crop of guys है, everybody likes to have a lot of fun, which is a good thing. आई थिंक प्रॉब्ली वो लोग ज्यादा कंप्लेन इसलिए कर रहे होंगे शायद वो इतना अच्छा डांस नहीं कर पाते प्रॉब्ली। आई डोंट थिंक सो उन क्रिटिक्स में से कोई प्रोफेशनल कोरियोग्राफर था। ओके मरीना, सो Zohaib has got 1 point, you need to catch up. Second picture coming up for you guys now. Can we have the picture again please? Okay. One is Nida Dar. Yes, and second seems like Babar Azam. What do you think, Zohaib? Yeah, Nida Dar and Babar Azam. Can we see the answer, please? Yes, Nida Dar and Babar Azam. Marina, you got it. I thought दोनों ही बड़े ऐसे स्टार प्लेयर्स हैं हमारे, तो दोनों के चेहरे मिला के देखे शायद एक नया प्लेयर निकल आएगा इनमें से। अच्छा मरीना, वो लग रहा था वो कोई अलग ही प्लेयर लग रहा था मुझे। चल फ्यूचर में ऐसा दिख भी जाए तो। मरीना, निदा के साथ कोई एनकाउंटर बताए। निदा का हमने देखा है वो वैसे ही बड़ी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। कोई निदा के बारे में कोई स्टोरीज हैं आपके पास? निदा के अगर की बात करें, आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट विटीएस्ट पर्सन इन द टीम। और फिर गुजरावाला से है और गुजरावाला फैसलाबाद ज्यादा दूर नहीं है, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ती। तो देयर बीन मेनी एनकाउंटर्स, लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, हम लोग आर्मी कैंप में ट्रेनिंग करने गए हुए थे और वहाँ पर ट्रेनिंग करके शाम को काकुल में बैठे हुए थे। वी यूज्ड टू प्ले डम शेरार्ड्स। तो अब एक गैस आया था, उसमें उसने लस्सी गैस करवाना था और सामने जो प्लेयर थे वो कराची के थे, तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा लस्सी का नहीं पता था। तो वो उसकी टीम की लड़कियाँ कह, उसने बोला लस्सी, तो उसने कहा कि क्या मतलब, थोड़ा और एक्सप्लेन करो। उसने कहा लस्सी, तो उसी से कि इंग्लिश में क्या होता है। तो निदा ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद कहती That was quite funny कि उसके बाद सारे हंसने लग गए कि इंग्लिश में उसने एक्सेंट डाल दिया, but word नहीं चेंज किया। I think this is pretty much resident to Gujranwala. I think हम आप maybe you know him well, Rehanul Haq. तो उसने एक दफा मुझे बताया था कि उसकी बहन का बेटा था छोटा, तो वो भी गुजरावाला में रहते थे, तो उसे इंग्लिश सिखानी थी। तो इंग्लिश सिखा रहे थे 3.5, तो 2-3 हफ्ते इंग्लिश सिखाई। तो उसके बाद उसके नाना अबू जब आए घर, तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा आप बताओ दीवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो वो खड़ा हुआ कंफ्यूज हो गया थोड़ा, कहते दीवार। So, yeah, I think I think maybe गुजरावाला में लोगों को लगता है एक्सेंट के साथ उर्दू बोलने, तो वो इंग्लिश होती। बेस्ट है ये, बड़ा इजी हो गया। कुछ भी बोलना होगा तो मैं एक्सेंट के साथ ही बोल देना है, खत्म, नहीं आता अच्छा, मुकाबला बड़ा अच्छा हो गया है, 1-1 हो चुका है। एंड मैं आपको बताऊं ऐसा रेयरली हुआ है इस शो पे कि जब मुकाबला जो है बराबरी पे गया भी हो। लास्ट टाइम हमारे पास साथ जो थे वो बिलाल अशरफ और मोहम्मद हफीज थे, और वो एक भी मोहम्मद हफीज गेस नहीं कर पाए थे। सो आई एम हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी कि ये मुकाबला बराबरी पे गया है। सो दिस इज द फाइनल पिक्चर, लेट्स सी हु विंस दिस राउंड। कैन वी हैव द फाइनल पिक्चर प्लीज? ओह माय गॉड, ओके आई नो वन। कैन वी हैव द पिक्चर अगेन? One I know. I mean, yeah. The other I think who's the male? अब second जो guess कर लेगा उसका point हो जाएगा ये। सनामीर है ये बता दिया। Sarfraz Ahmed. Can we see the final picture? Seems like Sarfraz Ahmed. The thing Marina's got it, yeah. Yeah. Well done. Oh, wow. How did you get it, Marina? How did you get it? By the haircut. I was going to the haircut कि किसका इस तरह का haircut है, otherwise face recognition थोड़ी difficult थी। ये हमने एक और नया player create किया है, तो Zohaib भाई obviously बड़ा interaction रहता है आपका। सरफराज से क्या कोई interaction किस तरीके का रहा? सरफराज के साथ I think for a long while, I mean, जब यहाँ पर कैप्टन भी थे पाकिस्तान के वो, और यूएई के अंदर सीरीज होती थी, So always found him to be very down to earth. आवाज़ बहुत अच्छी है, नाचते तो आपने सुनी है उनकी, वो गाते भी बहुत अच्छे हैं। By the way, I don't know उनका कोई गाना कभी पब्लिश हुआ है कि नहीं ऑनलाइन, बट पता नहीं हुआ था गाड़ी में शायद, आई थिंक अच्छा हमें भी शायद अवे फ्रॉम सिंगिंग ऑनलाइन, बट वैसे बहुत अच्छी आवाज़ है। अगर अकेले में कभी बैठे हो और उनसे फरमाइश करें गाने गाने की तो बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा सॉरी मैं कट ऑफ कर रहा हूँ। मरीना आपको पता है ज़ुहैब की आवाज भी बड़ी अच्छी है? अच्छा मुझे नहीं पता, अब कहाँ है तो मेरा ख्याल है एक हो जाए तो उसका मेरे ख्याल से अलग से कभी सेशन रखेंगे। सबको मेरे ख्याल से बहुत गाने का शौक होता है, सबको गाने गाते हैं, जब तक कोई और नहीं बता दे उनको कि भाई साहब बस कर दो। मैं ऑफिशियली मानता हूं मैं बहुत बेहतर हूं, मेहरबानी आप। मैं तो नहीं मानता कि मुझे वैसे ये बच के निकल रहे हैं इधर गाने से। मरीना अगर आप रिक्वेस्ट करते तो शायद इस वक्त यहाँ पर तो ऑनलाइन बिल्कुल गाना तो वुड नॉट बी पॉसिबल, लेकिन वैसे इसके लिए अलग सेशन रखेंगे। आपको पता है काफी लोग, बल्कि इनफैक्ट बहुत सारे कमेंटेटर्स बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। संजय मांजरेकर बहुत अच्छा गाते हैं, अगर कभी आपको मौका मिले उनकी सुनने का, आवाज ही सिंग्स वेरी वेल। रमीज राजा बहुत बड़े फैन है किशोर कुमार के, वो बहुत अच्छा गाते हैं। किशोर कुमार के गाने बहुत ज्यादा गाते हैं जी, उनको मैंने लाइव सुना। किशोर कुमार के बहुत फैन है वो, सो लॉट ऑफ पीपल सिंग लॉट। इनफैक्ट अभी PSL में मार्क बुचर आए हुए थे, वो बहुत ही अच्छा गाते हैं, ही इज वेरी गुड, he's a wonderful singer, I mean with the guitars, और बड़ा मतलब proper singer है। फिर एरन हॉलैंड है, वो आई हुई थी, वो भी बहुत अच्छे गाती हैं। तो ये सारे गाते हैं, मेरे मुझे लग रहा था जैसे कि कॉन्सर्ट हो रहा है, कमेंट्री कम हो रही है। I think अभी next time जब मुझे आप सब इस तरीके से मिलेंगे तो मैं पहली रिक्वेस्ट यही करूंगा कि मुझे गाना सुना दे, क्योंकि अभी तो आपने कह दिया कि अभी ऑनलाइन बिल्कुल। अच्छा नाउ गेटिंग टुवर्ड्स द जर्नीज, मरीना आपसे बात करेंगे, आपकी क्रिकेट से लेके अब आप कमेंट्री की तरफ आ गई हैं, सिलेक्शन की साइड पे भी हैं, कौन सी फील्ड ज्यादा आपको लगता है कि यू नो ज्यादा एनर्जी ड्रेन करती है? आई थिंक तीनों अपनी जगह एनर्जी ड्रेन करते हैं, लेकिन ये कि टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन फील्ड खेलना वो एक पैशन जो है वो आई डू मिस इट। मतलब इतना आसान नहीं है डिस्कनेक्ट होना क्रिकेट से, बट आई हैव बीन लकी टू बी अराउंड क्रिकेट और कमेंट्री, ऑब्वियसली आई लव डूइंग इट। तो बट आई थिंक जो एक मेरे लिए पर्सनल एक अगर आप तीनों में से पिक करने को कहें तो ऑब्वियसली दैट वुड बी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन अब मुझे बीइंग अ कमेंटेटर वो एक अलग एक्सपीरियंस है, और क्रिकेट को दूसरे तरीके से देखना, दूसरे नज़रिए से देखना, एंड टू कमेंटेट ऑन इट, आई हैव बीन लकी एंड ऑनर। लेकिन ये कि एंड बीइंग सिलेक्टेड ऑब्वियसली काफ़ी कहने के चीज़ें ऐसी है जो मैंने अपने जर्नी से सीखी, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी लगती थी, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई टू गिव इट बैक टू पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली टू हेल्प the youngsters coming और एक स्ट्रक्चर प्रॉपर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का बनाना। तो ऑब्वियसली तीनों का अपना वेटेज है, बट आई थिंक यस प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इज समथिंग रियली रियली स्पेशल। यस ऑफ कोर्स हैविंग दैट स्टार ऑन योर चेस्ट, आई थिंक इससे बड़ी और क्या प्राउड फीलिंग हो और क्या मोमेंट हो के आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा टॉकिंग अबाउट मूविंग टुवर्ड्स ज़ुहैब, मैं जिस तरीके से देखता हूं ही इज रनिंग अराउंड एंड आई एम नॉट इवन किडिंग व्हेन आई सी स्टेडियम में he is running here and there, जिस तरीके से जिस हिसाब से काम हो रहा होता है, and then you know sometimes he's also in front of the camera. So how do you manage all that? Because you know it gets really difficult कि produce भी कर रहे हैं, कैमरे के आगे भी बैठे हुए, कभी direct भी कर रहे हैं. How do you manage? सारी चीजें of course एक वक्त में नहीं हो रही होती। Mostly जब anchor कर रहे होते हैं तो वो कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि वो show मैं produce कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत रेयर होता है क्योंकि उसके लिए एक अलग प्रोड्यूसर होता है इटसेल्फ, व्हिच इज ऑलवेज द राइट वे टू गो अबाउट इट। आई थिंक अपने अपने चैलेंजेस हैं सबके, और जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर आप प्योरली प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब डायरेक्ट तो मैंने मतलब क्रिकेट एज इन मैचेस तो डायरेक्ट नहीं किए हैं, स्टूडियो किया हुआ है, सो आई मीन यू कांट रियली पुट मी एज अ क्रिकेट डायरेक्टर इन दैट, बट मतलब यहाँ पर भी बिल्कुल स्ट्रीम वाले मैचेस डायरेक्ट, बट मोस्टली तो एंकर और प्रोड्यूस ही किया है। सो बहुत ही डिफरेंट डायनामिक्स है दोनों के। बट एक चीज कॉमन है और वो है उस स्पोर्ट का पैशन होना एंड आई थिंक उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए होमवर्क करना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको, जैसे वो कहते हैं ना उर्दू में कहते हैं कि आप वो पी लें पूरा मुकम्मल तौर पे। और ज्यादातर प्रोडक्शन के अंदर भी और एंकरिंग में भी ज्यादातर आपका 70 to 80% काम पहले ही हो चुका होता है। आप जितना ज्यादा होमवर्क करके आएंगे, जितना पढ़ के आएंगे उसके बारे में, उतना ही आप बेहतर तरीके से चीजें कर सकेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है उस स्पोर्ट में तो फिर आप प्लीज ना करें, क्योंकि आफ्टर अ वाइल इट विल जस्ट आपका इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा और आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे अब गोल्फ का होता है टूर्नामेंट, अगर मैं कह रहा हूँ तो अगर आप नहीं है, इफ यू डोंट आर्ट इनटू इट, तो बहुत मुश्किल है कि आप 4 पूरे दिन वहां पर गुजारे। एंड सिमिलरली टेस्ट मैच मतलब रियली होता है। अभी जो पिछला टेस्ट मैच हुआ था बहुत अच्छा, लेकिन हमने बहुत बहुत डेड टेस्ट मैचेस किए हैं अपने करियर में। 5वें दिन लगता था 8 दिन भी मैच होगा तो खत्म नहीं होना। लेकिन क्योंकि उस ड्रॉ के टेस्ट मैच में परफॉर्मेंसेस हमें बड़ी अच्छी लगती थी, वो बड़े सिग्निफिकेंट थे, रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट थे। फिर वो जो इंडिविजुअल बैटल्स होती हैं बीच में प्लेयर्स की, एक सर्टन बैट्समैन अगेंस्ट अ सर्टन बॉलर, उसको रेलिश करना, फिर उसमें से ऐसे सबके साथ कोऑर्डिनेट इस तरह से करना कि स्टैटिस्टिशियन को ऐसा कोऑर्डिनेट करना कि बहुत रेलेवेंट स्टैट दे टू द कमेंटेटर एंड देन वीटी के साथ जो कि ईवीएस डिपार्टमेंट होता है टू गेट आउट ऑल द रिप्लेस एंड आल्सो द आर्काइव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हम जब एकदम हम देखते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मैच हो रहा होता है, सॉरी चैनल 9 रादर, तो एकदम वो रेफरेंस, बैक रेफरेंस, कोई रन आउट एक तरीके से हो और वो एकदम निकाल लेते हैं 4 साल पुराना, तो वो एकदम नहीं हो जाता। लोग एकदम कहना शुरू हो जाते हैं कि यार वाओ वाओ क्या रिप्ले निकाल दिया। वो रिप्ले पहले से उनके पास मौजूद होते हैं एंड दैट इज वेयर द प्रोड्यूसर्स वर्क कम्स, बिकॉज उसको सारे रेलेवेंट जितने हो सकते हैं उतने आर्काइव लेके आए। सो और फिर वो वीटी कोऑर्डिनेटर विल आस्क जो भी आर्काइव रख रहा होता है कि जस्ट पुल दैट अप और वो आप उस पर प्ले कर दें। सो वो इवेंचुअली इट शुड लुक वेरी नेचुरल, लेकिन इट शुड बी देयर। तो वो सारा कुछ होमवर्क वो वहां से आता है एंड दैट इज एंगेजिंग टेलीविजन, कि आप एक डेड मैच को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं कि वो लोग जो कि क्रिकेट के एविड फॉलोअर्स हैं टू समबडी हु इज अ वेरी न्यू फॉलोअर टू द गेम, दोनों एक ही अटेंशन के साथ उसको देखें, चैनल चेंज ना करते हैं। यही आपका सबसे बड़ा होता है चैलेंज। और इसमें मेरे ख्याल से जो एक बात है स्टोरी टेलिंग, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीजें अलग हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छी कहानी बता सकते हैं, क्योंकि जो आपके सामने सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो तमाम लाइव हैं, आपका उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। सो जो भी आप दिखाना चाहते हैं ऑन टेलीविजन स्क्रीन, वो एक रिएक्शनरी होगा। सो जितना आप अच्छे प्रिपेयर्ड हैं उस रिएक्शन के लिए, आप उतने ही अच्छे तरीके से एक स्टोरी बता सकेंगे। अगर आपने होमवर्क ही नहीं किया हुआ, अगर आपने वो आर्काइव्स निकाले नहीं है, अगर आपने वो घंटों लगाए नहीं है, टेप्स पहले होती थी, अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो फिर आप अच्छी स्टोरी बता ही नहीं सकते। सो चाहे आप जितने मर्जी बड़े हीरो बन। सो आई थिंक वहीं पर होता है लोग ज्यादा कनेक्ट, ये फर्क है और ज्यादा कोई फर्क नहीं। आई थिंक एज फार एज नंबर ऑफ कैमराज आर कंसर्न, या लोग कहते हैं कि यार उन्होंने ये वाला कैमरा लगा दिया या स्पाइडर कैम था, ये था वो ठीक है बातें, वो सारी चीजें एक्सेसरीज हैं जो कि इन अ वे कॉस्मेटिक चेंजेस लेकर आएंगी। हाँ, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर जाता है, वो एक और लंबा जवाब हो जाएगा, बट जो बेसिक्स है वो यही है कि आपको अच्छी स्टोरी कैसे सुनानी। तो अगर आपको अच्छी स्टोरी सुनानी आती है तो फिर ये बाकी सारे टूल्स हैं जिनको आपने यूज करना है। आई थिंक अभी आपने जो ये बातें कही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट था ये लोगों के लिए जानना, ये एस्पेक्ट को समझना कि ये जो ऑल ऑफ अ सडन वो जो मोमेंट्स आ जाते हैं, जैसे आपने बताया स्पेशली, कि उनके लिए वो कोई उसी वक्त जाके निकाले नहीं जाते। तो ये जो हमारे अपकमिंग जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, वांट्स टू लर्न, आई थिंक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बातें जानना और समझना कि किस तरीके से होमवर्क कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपका जो ये एफर्ट है ये 80% मैच से पहले जैसे आपने बोला कि हो चुका होता है, एंड देन इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स मरीना, मरीना आपकी अगर उसकी तरफ आए, क्रिकेट आपने खेली, कमेंट्री अभी आप कर रहे हैं, जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगी, किस तरीके से वो आगे हैं? जैसे अभी ज़ोहेब भाई ने ब्यूटीफुली सम अप किया है कि आपका पैशन होना चाहिए, व्हाट आर यू गोइंग टू से अबाउट इट? सॉरी, कनेक्शन थोड़ा हो गया था। या तो कह रहे थे आपने क्रिकेट खेला है, आप कमेंट्री भी कर रही हैं, आप सिलेक्शन की तरफ भी हैं, सो देयर आर यू नो दीस एस्पायरिंग किड्स यू नो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लड़कियां भी आना चाहती हैं, लड़के भी आना चाहते हैं, तो जैसे ज़ोहेब भाई ने मैंने कहा कि सम अप किया ब्यूटीफुली कि पैशन होना चाहिए, इफेक्टिव होमवर्क स्किल्स होनी चाहिए, वो आप इसको किस तरीके से सम अप करेंगी कि क्या करें वो ऐसा? देखिए, एज फार एज द क्रिकेट एज अ प्रोफेशन इज कंसर्न, आई थिंक वही ज़ोहेब की बात बिल्कुल सही है कि पैशन के बगैर आप कभी भी इस पर सस्टेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप I think we lost Marina in the middle. Marina, can you hear us? Well, ज़ोहेब भाई अगर आपसे इस पे हम बात करें, जैसे आप भी क्योंकि रजिस्ट्रा स्ट्रक्चर बन गया है रिगार्डिंग इवन वुमेन क्रिकेट भी काफी डिटेल स्ट्रक्चर बन गया है फ्रॉम ग्रासरूट लेवल टू नेशनल टीम, तो मेरा ख्याल है कि लड़कियों के लिए भी काफी आसानियां हो गई हैं। लड़कों के लिए ऑलरेडी क्लब स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लब एंड स्कूल क्रिकेट काफी ज्यादा है, उनके लिए तो ऑब्वियसली काफी कैलेंडर फैसिलिटीज भी हैं, तो आई थिंक विदाउट पैशन तो कोई भी चीज नहीं हो सकती। एज फार एज कमेंट्री एंड अदर थिंग्स आर कंसर्न, I think we lost Marina in the middle again. So we're going to go to Zohaib Hussain again. अच्छा, Zohaib भाई, पाकिस्तान-इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, उस पे जरा एक बेसिक डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तान-इंग्लैंड, बहुत अरसे बाद क्रिकेट पाकिस्तानियों को लाइव एक्शन देखने को मिल रहा है। एक डिस्कशन जो बहुत ज्यादा हो रहा है वो है सरफराज वर्सेस रिजवान, हाउ डू यू सी दैट? मेरे ख्याल से व्हेन पाकिस्तान अभी, अच्छी बात है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव के दो ऐसे विकेट कीपर्स हैं पाकिस्तान के जो के खेल सकते हैं इस वक्त। ऑफ कोर्स रिजवान को बहुत ज्यादा चांसेस मिले हैं, बट रिजवान ने वो डिलीवर नहीं किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। मैं तो उनको मतलब उनके स्कूल के कोचेस को भी जानता हूँ जो इस्लामिया कॉलेज के अंदर थे, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, सो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाए। एबिलिटी वाइज भी शायद ही इज मोर गिफ्टेड प्लेयर देन सरफराज, लेकिन सरफराज ऑन द अदर हैंड हैज बीन अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग ग्रिटी काइंड ऑफ कैरेक्टर ओवर द इयर्स। ऑफ कोर्स लास्ट 4-5 मंथ ग्रेट नहीं रहे, बट वी हैव सीन के व्हेनेवर द चिप्स आर डाउन सरफराज कम्स बैक और अपनी परफॉर्मेंस देकर ही मेक्स हिज पोजीशन, he cements his position in the team. ये हमने मतलब this has been happening since the 2015 World Cup, जब सरफराज को चांस नहीं दे रहे थे, and there was so much criticism, and then he was given a chance and he was put into deep waters. ऊपर खिला दिया against South Africa, but he scored that very important 46 to get back. So it's a good problem to have. वो लोग भी जो कहते हैं जी they write him off के नहीं future देखना है तो उसकी रिजवान है, नहीं, सरफराज still has a lot of cricket left in him. ऐसी मतलब I don't, if Misbaul Haq till 42, 43 can play, I think he is a very good inspiration for everyone. कि यार, age to an extent is a number. आप अपनी fitness और अपनी performance रखें, we will be in the side. So I still think कि जो ये अभी matches हो रहे हैं पाकिस्तान के practice matches, इसमें gauge करना चाहिए, and eventually I don't see any reason why the doors should be shut on Sarfraz should be given another chance as well. And अगर आपने complete experience के लिए जाना है, so सरफराज को बिल्कुल खिलाया जा सकता है पहला ही टेस्ट मैच, और द अदर वे राउंड इज के रिजवान गेट्स द फर्स्ट मैच एंड देन वी सी द परफॉर्मेंसेस, बट देन अगेन अगर आप एक मैच रिजवान को दे देते हैं या आप सरफराज को भी दे देते हैं, देन यू हैव टू गिव देम एटलीस्ट 2 मैचेस, क्योंकि होता यही है पाकिस्तान में, एक मैच आप देते हैं उसमें बंदा परफॉर्म नहीं करता और आप उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। सो जिसको भी आप चांस देंगे एटलीस्ट उसको 2 मैचेस दें ताकि उसके पास एक फेयर चांस हो, 4 इनिंग्स हो पोटेंशियली, एंड देन आल्सो हैज अ फुल टेस्ट मैच हो उसके पास, 2-2 इनिंग्स पीछे कीप करने के लिए भी, ताकि वो अच्छी तरह बता सके कि यार, ताकि उसको भी कोई गिला ना हो, अगर उसकी बुरी परफॉर्मेंस उसको बाहर कर दे, या फिर अगर वो अच्छा परफॉर्म कर देता है तो देन ही गेट्स द चांस ऑफ द टीम। जी बिल्कुल, एंड वी बीन जॉइंड बैक बाय मरीना। मरीना, हम बात कर रहे थे सरफराज वर्सेस रिजवान की डिबेट, एंड एक मुझे जो बड़ी अच्छी बात लगी ज़ोहेब ने जो कही कि फेयर चांस दें, और फेयर चांस ये होता है कि जब आप लेके जा रहे हैं तो आप पूरी तरीके से पूरा खिलाएं, ये नहीं कि एक मैच के बाद उसको ड्रॉप कर दें। तो ऐसी क्या वजह है कि हम इस तरीके के चेंजेस कर रहे होते हैं? हमने देखा है बाहर जो और क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं वो प्रॉपर चांस देते हैं इस हद तक कि उनके प्लेयर्स को पहले से ही पता होता है कि वो अगले एक दो सीरीज तक ड्रॉप नहीं होंगे अगर वो परफॉर्म नहीं भी करते। सो व्हाई इज दैट कि हम पाकिस्तान में ये वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि जहाँ पर प्लेयर पे इस तरीके का प्रेशर ना हो? लेकिन थोड़ा सा आई बिलीव के बायर जो है वो फॉर्मेट के हिसाब से प्लेयर डेवलपमेंट जो है वो अब काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। उनको पता है कि किस प्लेयर को हमने किस जगह पे किस फॉर्मेट में यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। प्लेयर को भी अपना रोल काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका हुआ है। जहाँ तक फेयर चांस की बात है, आई टोटली एग्री कि अगर आप एक प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप सिलेक्ट हुए और आपको एक ही मैच मिला और उसी मैच में आप पे प्रेशर भी है कि आप कम बैक कर रहे हो या आपने आगे अपने जगह सस्टेन करनी है और फिर आपने डिलीवर भी करना है। इन द गिवन केसेस ऐसा होता है कि प्लेयर नहीं डिलीवर कर पाता इन फर्स्ट गेम या फर्स्ट कोई भी अगर आप टेस्ट मैच अगर देख लें तो आई थिंक ये बहुत एक प्लेयर के साथ भी थोड़ा सा मेंटली उसके ऊपर एडेड प्रेशर आ जाता है इफ़ यू से कि भी एक ही गेम है आपके पास। और टू बी ऑनेस्ट कि बहुत कम होता है कि कोई भी आके पहली गेम में कमबैक में अच्छा कर जाए, या अगर कोई पहला आप उसको मैच दे रहे हैं जस्ट टू चेक कि वो किस हद तक डेवलप हो चुका है उस फॉर्मेट के लिए या नहीं, वो भी डिफिकल्ट होता है। तो आई थिंक इट्स फेयर थिंग है कि आप उसको पूरा चांस दें, एक दो मैचेस दें, उसके बाद अगर प्लेयर से नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट ही'll know कि मुझे चांस मिला था और मैं नहीं कर सका, एंड इवन द मैनेजमेंट वुड बी सेटिस्फाई कि हमने उसको प्रॉपर चांस दिया, एंड प्लेयर नोज कि मुझे किस जगह पे किन एरियाज पे काम करना है, एंड देन आई कैन कम बैक एंड सस्टेन अ प्लेस इन द टीम। सही। अच्छा, आपने एक जो बात की कि फॉर्मेट वाइज जो है बाहर से प्लेयर डेवलप होते हैं, मैं ज़ोहेब के पास ये सवाल लेके जाना चाहूँगा कि फवाद आलम जो है वो किस फॉर्मेट के प्लेयर हैं, मुझे ये जानना है क्योंकि समझ नहीं आ रही। हाँ, फवाद आलम डेफिनेटली 4-day प्लेयर हैं और बहुत ही आई थिंक somebody जिन्होंने रन कर करके हशर कर दिया। $1 million का जवाब दिया है मुझे तो नहीं है कि 4-day के प्लेयर है, ये बताएं क्यों नहीं है वो टीम में, सवाल ये है। ये तो मेरे ख्याल से ऑन अ लाइटर नोट ये पाकिस्तानी क्रिकेट का बड़ा जबरदस्त सवाल है कि फवाद आलम को क्यों चांस नहीं मिलता। मुझे याद है एक दफा अभी ये सीरीज हो रही थी पाकिस्तान बांग्लादेश का, जो पहला टेस्ट मैच था उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी था टेस्ट मैच, या पाकिस्तान श्रीलंका था, जो अभी कराची में टेस्ट मैच हो रहा था। पाकिस्तान श्रीलंका, करेक्ट, कराची में टेस्ट मैच। जी। सो वहां पर जो क्राउड था वो इतना ज्यादा, उन्हें गुस्सा था इस बात पर कि फवाद आलम नहीं है और बाजिद खान आपको पता है कि शरारतें करते रहते हैं, तो उन्होंने ये कह दिया उधर क्राउड में, जब हम दोनों खड़े थे अपना पीस कर रहे थे, तो कहा कि ये जो ज़ोहेब है देखें ये नहीं चाहता था, ये नहीं चाहता कि फवाद आलम हो, ये कहता है कि ठीक हुआ है फवाद आलम के साथ ऐसे। ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। और क्राउड ने इतना ज्यादा, जाहिर है कि वो फिर काबू में नहीं रहे। तो आई मीन इतनी फॉलोइंग है, इतना ज्यादा रन किए हुए उन्होंने, आई थिंक इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट और कुछ नहीं। मैं एक और ऐसे ही प्लेयर होते थे, मैं सुनता था उनके बारे में, शफीक पापा के बहुत बड़े जबरदस्त बैट्समैन है इंटरनेशनल लेवल में, पर उनको उतना चांस नहीं मिला। देन एक आई थिंक एक अजय वर्मा एक इंडिया में प्लेयर होता था, दिल्ली बहुत ज्यादा रन करते थे, उसे भी नहीं मिला चांस। बट आई थिंक इट्स समथिंग, और अब काफी ज्यादा उम्र भी हो गई है फवाद आलम की, ऐसा भी नहीं है कि फवाद आलम हैज नॉट बीन अराउंड, ही इज बीन स्कोरिंग इन एक्सेस ऑफ 50 इन डोमेस्टिक फॉर इयर्स। आई मीन ऐसा नहीं है कि उन्होंने रन नहीं किए। एक और ऐसा नाम आता है फास्ट बॉलिंग में, सदफ हुसैन, उन्होंने बहुत ज्यादा विकेट्स लेते थे बट चांस नहीं मिलता था। तो आई थिंक आई डोंट नो, इट्स अ सिस्टम अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं, बिकॉज लॉजिकली यू कांट सी दैट्स हैपनिंग। इवन माइकल हसी को भी 8 seasons बाद चांस मिल गया था, ही वाज अबाउट 30-31 व्हेन ही ब्रोक इनटू द टीम, एंड आफ्टर दैट ही वाज वेरी हंग्री एंड फॉर 7-8 years he then we all know के मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं, पर रीजन के दौरान जितना ज्यादा किए उनकी हंगर ने हमें भी एक बड़ा मैच कॉस्ट कर दिया था। तो हाँ करेक्ट 2009 जब उन्होंने बहुत मारा था सईद अजमल को इन द एंड। सो आई मीन फवाद आलम का तो आई मीन इट्स अ क्यूरियस केस, आई होप ही गेट्स अ चांस नाउ somehow, but I think अब मुझे लगता है कि he'll play क्योंकि इफ्तिखार ने प्रैक्टिस मैच में स्कोर कर दिया है। हाँ वो कोई बात नहीं लेकिन I think five day में still I think they will go with Fawad because Haris Suhail has not opted for the tour. I think ये सवाल हम सिलेक्टर जी के पास भी पहुंचाते हैं। सिलेक्टर जी हाँ बिल्कुल जी आप exactly ये अब आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई क्या सोच रहे होते हैं। ठीक है सिलेक्शन कमेटी तो अब कहेगी कि हमने जो टीम में डाल दिया है वो नहीं खिला रहे, तो आप ही बता दें कि क्या चल रहा है माजरा पीछे दिमाग में, क्या हो सकता है। नहीं आई थिंक इट्स अगेन ज़ोहेब वाली बात, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि हम लोगों का ऑब्वियसली सिस्टम डोमेस्टिक से ही हम लोग मेरिट बेस्ड सिस्टम, अगर एक प्लेयर कंसिस्टेंटली आपके डोमेस्टिक में रन्स कर रहा है ही इज वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर ऑफ योर स्ट्रक्चर, और उसके बाद ऑब्वियसली फॉर्मेट भी इसको सूट करता है, और फिर अगर चांस नहीं मिल रहा तो अगेन आई थिंक के लॉजिकल रीजंस जो हैं वी रन आउट ऑफ इट, नहीं समझ आती कि क्या रीजन है जो उनको नहीं चांस मिल पा रहा। और अगेन वही बात है कि इफ यू थिंक ही इज नॉट सूटेबल गिव हिम अ फेयर चांस, अगर वो नहीं करते इफ ही फेल्स देन यू हैव अ वैलिड रीजन कि हमने चांस दिया यू फेल्ड बात खत्म। बट बीइंग कंसिस्टेंटली जैसे मैंने पर्सनली उन्हें देखा है कि जितनी मेहनत वो अपनी फिटनेस पे करते हैं रन सबके सामने है, हर आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इज बीन इन टॉप रन स्कोरर्स, तो ना टेक्निकली वाइज कोई अगर इशू है तो आपके डोमेस्टिक सिस्टम में वो फेल कर जाए, फिटनेस वाइज फेल कर जाए, मतलब वही बात है कि लॉजिकल रीजन खत्म हो गए जस्ट टू थिंक क्या वजह हो सकती है कि उनको चांस नहीं मिल रहा। बट अगेन आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट और जरूर ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर्स जो मैंने पिछले एक डेकेड में देख लें कह लें कि जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं। जी अच्छा हमने मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर की बात की है, मैं ज़ोहेब की तरफ ये सवाल लेके जाना चाहूंगा कि प्रॉमिसिंग और भी कुछ प्लेयर्स आए थे पिछले 10 साल में, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा प्रॉमिसिंग प्लेयर था जिसने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान क्रिकेट में? जिसने डिसअपॉइंट किया है विदाउट डाउट मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, खैर आपको लगता है कि उनका भी कमबैक स्टेज हो सकता था जिस तरीके से यू नो बाकी प्लेयर्स आए? आई थिंक आपने जो प्रेसिडेंट एक दफा सेट कर दिया ना, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, या तो आप पहले ही ना आने दें प्लेयर को, बट वंस यू हैव सेट द प्रेसिडेंट दैट ओके यू कैन मेक अ कमबैक देन ऑफ कोर्स आई मीन ऐसा नहीं हो सकता कि सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स, so it should be then if you open the door it should be open for everyone based on the performance, if it is not open then it should be closed for everyone, that is true। अच्छा मरीना आप जरा बताएं आपको किस प्लेयर ने डिसअपॉइंट किया? मैं चाहता हूं थोड़ा तो मसाला डालें ना शो में कि नाम ले लिया डिसअपॉइंट किया इसने, या तो ये मरीना स्टक हो गई है या इस बात पे इन्होंने स्टार्ट हो गई यार, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे एक्ट करती हूं कि मैं जो हूं और आई एम स्टक आई डोंट वांट टू आंसर दिस। बच गई है मुझे लग रहा है ये। मरीना आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं पूछूंगा मैं आपसे डिसअपॉइंटेड प्लेयर का, वापस आ जाओ। अच्छा कुछ और प्लेयर्स भी हैं जैसे ज़ोहेब आपसे बात जिन्होंने डिसअपॉइंट किया है, पर्टिकुलरली दो नाम जो है हमारी आवाम बहुत ज्यादा लेती है और मैं पब्लिक पोल के थ्रू बता रहा हूँ, अहमद शहजाद और उमर अकमल। यू नो क्या कहेंगे इन दोनों में से किस यू नो कौन ऐसा था जिसको आपको लगता है कि वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल के बावजूद भी यू नो नहीं कर पाए? आई थिंक उमर अकमल में तो मतलब एवरीबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट उमर अकमल वेरी वेरी हाईली, especially 2009, go back 11 years he scores that century in New Zealand. उसके बाद आपको पता है डनीडन में जिस तरह की फास्ट बॉलिंग कंडीशंस होती हैं उसमें उन्होंने स्ट्रेट के इतने लंबे लंबे छक्के मारे एज इफ के वो मॉडल टाउन में खेल रहे थे। So when you saw that आपने कहा यार ये तो पता नहीं कौन आ गया है, and then he showed glimpses of brilliance over his career, लेकिन वो glimpses इतनी कम थी और उसके ऑफ फील्ड एंडेवर्स उनके ऐसे थे कि जो इतने कंट्रोवर्शियल हो गए दैट इट वाज वेरी वेरी हार्ड फॉर एवरीवन हु वांटेड इन पोजीशन ऑफ पावर और नो पावर, वांटेड हिम टू बी इन द साइड, वो भी नहीं कर सके. सो आई थिंक इट वाज अ केस वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट of self destruction as well to an extent. I think he had everything in front of him. He had the world because he was so talented. He still is. लेकिन क्योंकि मतलब मामलात कुछ अब ऐसे हैं कि अब तो मतलब it looks very very dark near future for him until or unless कुछ बिल्कुल ही change हो जाए, which पाकिस्तान क्रिकेट के साथ तो आपको पता है कुछ भी कभी भी बदल जाता है. लेकिन मतलब it's been बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है. एंड आई थिंक सिमिलरली अहमद शहजाद हिमसेल्फ बहुत ही अच्छे बैट्समैन. और मैं आपको ये बताता हूँ, एंड इट्स वेरी वेरी एंड यू माइट गेट अ बिट सरप्राइज्ड बाय इट कि मिसबाउल हक से मेरी ये बहुत ही क्लियर बात हुई हुई है और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है ये कि यूज्ड टू रेट हिम हायर देन विराट कोहली एज अ बैट्समैन. और and of course he's played with him और मतलब I'm not questioning his judgment, so of course कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा ना. ये तो नहीं है कि कोई फेवरेटिज्म कर रहा है मिस बाउंस में. कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा उसके अंदर जो उसे लगा होगा यार ये पता नहीं क्या प्लेयर है. बट eventually when performances happened तो वो चीज नहीं निकली बाहर. इवन विव रिचर्ड्स spoke very highly of Ahmad Shahzad. It's very high. अभी last अभी Viv Richards का birthday मना रहे थे BSL के दौरान. So Viv आया और गले लगाया and said that he's a great batsman. Sir, Viv Richards से तो बड़ा batsman इस वक्त तो कोई भी नहीं होगा जो कि living है. So if he's saying कुछ बात means a lot, of course. I think just that the problem is के performances के अंदर वो चीज translate नहीं हो रही. Potential बहुत ज़्यादा है, so performances में नहीं हो रही, consistency में नहीं हो रही. And उमर अकमल का जो example है, I think वो तो बहुत ही बड़ा talent है जो कि पाकिस्तान has lost in a way. आई थिंक इसकी एक केस स्टडी बना के नहीं प्रेजेंट करनी चाहिए यंगस्टर्स को, जहाँ पर उनको एक लर्निंग कर्व ये दिखाया जाए कि कि क्या हो सकता है अगर जस्ट बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दैट यू मेक. या डेफिनेटली आई थिंक इट्स नॉट ओनली दैट, इनफैक्ट ये पीसीबी में शुरू तो हुआ था. इफ मरीना कैन रिकॉल इट करेक्टली, इज शी विद अस? या मरीना, इफ यू रिमेंबर 2002 में या 2003 में जो ग्रूमिंग क्लासेस है वो एनसीए में शुरू हुई थी पीसीबी में, जो कि प्लेयर्स को ग्रूम करते थे. हैव यू हर्ड अबाउट दैट? आई वाजंट अराउंड. आई एम श्योर यू weren't around. You must be very young then. But so they started those grooming classes. I think उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वो होनी चाहिए. आई डोंट नो वो फिर उसके बाद वो शुरू हुई और वो कितने देर तक हुई है मुझे नहीं पता, बट उससे बहुत फर्क. इट्स नॉट अबाउट जो लोग समझते हैं ना कि ग्रूमिंग क्लासेस में सिर्फ अंग्रेजी सिखाई जाएगी, नहीं, अंग्रेजी नहीं सिखाई जाएगी, ग्रूमिंग का ये बहुत ज्यादा ताल्लुक. सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि वंस यू वेयर दैट ग्रीन ब्लेजर तो उसकी आपने जो इज्जत है वो कैसे रखनी है, अपनी भी, मुल्क की भी, अपने खानदान की भी. बिकॉज आप जैसे ही कोई खराब एंडेवर करते हैं दैट गोज नॉट ओनली टू बैक टू योर family but also the country, depending on कि आप किस पोजीशन में और आपने क्या हरकत की है. So that is extremely important. वो ग्रूमिंग इसलिए आम है कि आपने ये पहन लिया है तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है आप पर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं कह रहा हूँ ये जो क्लिप है ना ये काट के प्लीज लगा दें और पूरे पाकिस्तान में फैला दें कि ग्रूमिंग का मतलब अंग्रेजी नहीं है. ग्रूमिंग का मतलब है कि you have to act or behave in a certain way. बस वो चीजें हैं, उसको ग्रूमिंग, उस पे ग्रूमिंग होती है. और इससे पहले मरीना फिर भाग जाएं और हम उनसे वो जो सवाल कर रहे थे थोड़ा मसाला डालने के लिए कि किस प्लेयर ने आपको डिसअपॉइंट किया पिछले 10 साल में, अगर आप प्लेयर्स उठा के देखें, इट कैन बी फ्रॉम द वुमेन्स क्रिकेट टीम, इट कैन बी फ्रॉम द मेंस क्रिकेट टीम, किस प्लेयर ने आपको डिसअपॉइंट किया है? Again my answer would be the same, Ahmad Shahzad and especially Umar Akmal. क्योंकि द थिंग विद उमर अकमल इज के वही बात जैसे ज़ुहैब ने की, इवन व्हेन मैंने जब तक डेब्यू नहीं किया था मैं नेशनल लेवल तक खेल रही थी फॉर लाहौर it was a sport for me. लेकिन जैसे ही मुझे वो ग्रीन जर्सी मिली and I wore that and I saw that star, मुझे realize हुआ कि it's not a sport anymore. ये responsibility आपके ऊपर बहुत ज़्यादा. So I think grooming obviously होनी चाहिए, but being an individual आपको ये realization होनी चाहिए, आपकी priorities इतनी सही होनी चाहिए कि आपको पता है कि आप एक मुल्क को represent कर रहे हो. You're representing each and everything in your actions, in the way you get up, in the way you talk, in the things you do. मेरा ख्याल है कि वो एक एक्सक्यूज के जी नहीं पता. मेरा ख्याल अब इतना कमर्शलाइज भी चीज़ें होगी, इतनी ओपन डिस्कशंस होती हैं कि आपके पास एक्सक्यूज है ही नहीं. और यू हैव एग्जांपल्स इन पास्ट कि आप जिनसे समझ सकते हो, सीख सकते हो कि क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं. बट येस, उमर अकमल वॉज आई थिंक वो ऐसा प्लेयर है जिसको जिस भी नंबर पर आप भेज दो, इफ ही इज इन द जोन ही विल ब्रिंग द मैच विद हिम, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन जितना पोटेंशियल अगेन अभी है. Yeah, if he is in the again zone, वही बात है कि अगर आपकी priorities नहीं right, your priorities, if your priorities are not right, if you're not disciplined, तो वो आपकी game में reflect करता है. ऐसा नहीं हो सकता कि off the field आप disciplined नहीं हो और आपकी और priorities हैं, on the field आपकी game same रहेगी. It's an in hand thing. अगर आप off the field सही हैं तो on the field आपकी game reflect करती है. हालांकि हम टाइम से थोड़ा आगे निकल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं ज़ोहैब से भी पूछना चाहूँगा. इसमें प्लेयर मैनेजमेंट कितना बड़ा हाथ प्ले कर सकती है? बिकॉज अगर प्लेयर को उसके हिसाब से डील किया जाए, ऑब्वियसली हर किसी के लिए सेम रूल्स नहीं हो सकते, जो मैं स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी ये कहता हूँ. तो उस बारे में क्या प्लेयर मैनेजमेंट वंस ही इज इन द इंटरनेशनल टीम, तब मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट हो जाता है. लेकिन still the manager of the team mostly वो होते हैं जो कि ज्यादा ट्रैवल्ड होते हैं. जो नए लड़के हैं जो डेब्यू कर रहे हैं उससे तो ज्यादा ही वो ट्रैवल्ड होगा शब्द. जैसे पहले इंतखाब आलम हुआ करते थे, बहुत ज्यादा ट्रैवल्ड थे. सो डेफिनेटली किया जा सकता है. एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एडवाइजर. जो आपके एडवाइजर होते हैं ना, ये आप लक भी कह लें, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो आप बहुत ज्यादा चीजें अपने मुशीरों के हिसाब से ही करते हैं. वो मुझे एक वाक़या इस्लामिक हिस्ट्री से याद आ गया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो दौर था उसमें जंगें काफ़ी ज़्यादा हुई थी आपस में मुसलमानों की ना, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती. तो उनके जो मुशीर आए तो उन्होंने कहा, मतलब मुशीर भी ऐसे थे ज़ाहिर है कि, तो उन्होंने कहा कि देखिए हज़रत उमर का रज़ियल्लाहु अन्हु का तो दौर इतना ज़बरदस्त था, उसमें जो अमन था वो इतना ज़्यादा था, आपके दौर में इतनी खाना जंगी हो रही है. तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर तुम, तो इसलिए हालात इतने ख़राब. तो जो आपका एडवाइज़र होता है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. सो आई मीन यू शुड बी वेरी लकी इफ़ यू आर एट अ सर्टन प्लेस इन योर लाइफ, बिकॉज यू दिस मीन्स दैट योर एडवाइज़र्स आर वेरी गुड. बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो कि फेम, पैसा एकदम क्योंकि आया होता है ना, उसको आप किसी चीज को भी जब आप एकदम आपको एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो जाती है, ऑटोग्राफ्स अब कम होते हैं, सेल्फीज, लड़कियां आपको लिख रही हैं, और मतलब आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं यार मैं अब सब कुछ हूँ. सो समबडी शुड बी देयर कि यार तुम अभी भी इंसान ही हो, और ये जो भी तुम्हें मिला है इट इज अल्लाह ताला की तरफ से था, या मतलब और तुम्हें उसका शुक्र करना चाहिए. यू शुड बी ग्रेटफुल, नॉट you shouldn't become cocky or egoistic about it. ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ. तो ये जब realization आती है ना इंसान को, so I think वो ही humble करती है. तो ये किसने कर रहा है? ये आपके मुशीरों ने करनी है बात, या फिर आपको management आपको बताएगी, या कोई ऐसे लोग. और फिर again ये भी आपकी अकल उतनी होनी चाहिए कि जो आपको sincere मशवरा दे रहा है आप उसको recognize कर लें कि यार हाँ ये मुझे बंदा ठीक मशवरा दे रहा है. क्योंकि होता ये है कई दफा कि कोई इंसान आपको सही मशवरा दे रहा होता है, आपको लगता है शायद ये मुझे jealous है, या आपको जो लोग आपको खुशामदें कर रहे होते हैं कि यार नहीं बिल्कुल तुमने कोई बात नहीं, तुमने उसके साथ ज्यादती कर ली, ठीक किया, वो डिजर्व ही ये करता था, तो आप एकदम चौड़े रहते हैं, नहीं देखो यार ये बात ठीक कर रहे हैं, हालांकि वो इतनी गलत बात कर रहा होता है. एंड दैट इवेंचुअली मतलब कम्स अराउंड एज वेल, और फिर जाहिर है कि इट डजंट एंड वेरी प्लेजेंटली. मरीना, मुझे लग रहा है जो हमारे प्लेयर्स हैं उन सबको जो है ज़ोहैब के हवाले कर देना चाहिए, और एक एक हफ्ता ये सारे गुजारे ताकि उनको समझ आए एग्जैक्टली क्या वो करना है. एडवाइजर तो ये खैर बड़े अच्छे हैं. आपको मैं बताता चलूँ फन फैक्ट, मैंने जो अपना पहला टीवी का शो साइन किया था वो ज़ोहैब भाई की एडवाइस पे वो किया था, जब मैं इनसे डिस्कस करा था बैठ के, और मैं कंफ्यूज था एंड यू नो इन्होंने मेरा ऐसा माइंड बनाया, बस दुबई था, मैं पहले पाकिस्तान लैंड हुआ और जाते ही मैंने पहली चीज को शो साइन किया है, एंड लाइक इससे पहले मेरा दिमाग फिर बदले. सो आई थिंक वंडरफुल टू हैव इस तरीके की जो एडवाइस दे सके. आई वांट टू थैंक यू बोथ फॉर कमिंग ऑन दिस शो बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट इट हैज बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि आप लोग इधर आए और जिस तरीके की बातें की हैं, मरीना आपने, जोहेब आपने, एंड आई एम श्योर जो यूथ जो हमें देख रहे हैं और जो हमारे फॉलोअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए भी ये उतना ही लर्निंग एक्सपीरियंस होगा जितना ही मेरे लिए था. सो थैंक यू सो मच. आई होप यू गाइस एंजॉयड. प्लेजर प्लेजर, बहुत मजा आया. आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज के आज पहली दफा इंटरनेट के साथ कुछ हुआ है, अदरवाइज इतना ज्यादा आपने साबित कर दिया है आप पाकिस्तान में रह रही हैं, कोई मसला नहीं है. मरीना पीएल और लाइटर नोट पीटीसीएल तो नहीं है. नहीं पीटीसीएल नहीं है, वो बहुत पहले वो होता तो शायद मैं लाइव आती ना. नहीं वो आपका पीटीसीएल और हमारे पास केएफसी सब बराबर है, दोनों बराबर. मेरी लाइट नहीं गई अभी तक, मैं अल्लाह का शुक्र कर रहा हूँ कि मेरी लाइट नहीं गई. बड़ी बात है वैसे, बड़ी बात है वैसे. The rants I read about K Electric are मतलब phenomenal. मतलब I think कराची वालों को तो बहुत खराज तहसीन देनी होगी, मतलब जबरदस्त है. They still have a sense of humor. आप सोचे आप ये सब बोल रहे हो पीछे मेरी लाइट चली जाए, डार्क कॉमेडी हो जाएगी वो. डार्क कॉमेडी हो जाएगी. वेल आई वाज यू नो ग्रेट टू हैव यू गाइस. बहुत मजा आया मुझे, एंड उम्मीद करता हूं कि आपसे जब नेक्स्ट मुलाकात होगी तब भी हम ऐसी ही मजेदार बातें कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ ऑब्वियसली होपिंग कि जो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो. ऑब्वियसली क्रिकेट इज कमिंग बैक बट हम सीरीज भी जीते बिकॉज वो बहुत हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट है, और फवाद आलम जरूर खेले इसमें जो हमने कंक्लूड किया है. थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग द शो. जो भी आपने प्लीज कमेंट्स में जरूर दिया करें. दिस योर होस्ट फैजान नजीब, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़.